अरे माँ नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ठीक है तू? हाँ मैं तो ठीक हूँ, और सब ठीक है? हाँ, बड़े दिनों बाद आया बेटा। अरे कंपनी में काम ही इतना था तो जो है फुर्सत मिली है। लल्ला मेरा तो बड़ा जी कर रहा था तुझसे मिलने को, और तू आ ही गया। और वैसे तू आ गया है ना, कुछ दिन रुक के जाइए, 10-15 दिन। अब मैं जाने का भी ना हूँ, मैं तो कंपनी छोड़ आया, अब मैं तो यही दुकान करूंगा घेर में। अच्छी, ये दुल्हन कौन है? अरे ये दुल्हन ना, ये अपनी दुल्हन है, ये तेरी दुल्हन है, मेरी बहू है यो। क्या? हाँ। ये तूने इससे शादी कर ली? हाँ, तुझे बताने का टाइम ही नहीं लगा, मैंने इससे ब्याह कर लिया। अब मैं बोला चलो घर ही रहेंगे, वहीं क्या रहते शहर में। लेकिन तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं? अरे मम्मी इसमें पूछने वाली क्या बात है, अरे आजकल जो है कहाँ मिले करें ठीक ठाक सी लड़की, ये लड़की मुझे पसंद आएगी। मैं बोला मम्मी से जब घर जाके बता दूंगा, मगर घर को ही चलना है, तो मैं तो ब्याह करके घर को ही आई जाऊँ। अरे तुझे इसके खानदान परिवार का पता है कुछ या नहीं? और तू मेरा इकलौता संतान थी, इकलौती संतान, और मैंने कितने ख्वाब सजा रखे थे कि मेरा एक बेटा है, मैं उसकी शादी खूब धूमधाम से करूंगी, पर नहीं, शहर में जाके मेरा लौंडा तो बर्बाद हो गया। अरे खामोखा की बात कर रही हूँ, साहब बर्बाद हो गया। अरे आजकल जो है लौंडिया ना मिलती है ठीक ठाक से, यू तो मेरी देखी वाली है। लौंडिया तो कैट सुंदर है, पर मैं क्या करूँ, मैंने कितने सपने सजा रखे थे कि मेरा इकलौती संतान है, मैं उसके ब्याह में नाचूंगी गाऊंगी, पर तूने तो मेरे सारे सपनों पे पानी फेर दिया। अरे तू इसमें आप सोच क्यों कर रही है, साल भर में कोई भगवान खुशी देगा तो तू सारी खुशियाँ उसमें बना लिए। अरे बेटा मैं उससे पहले मर गई तो? अरे बिना मतलब की बात कर रही है, मैं मर गई तो? अरे कोई कहीं ना मर गया, सब यही ठीक है। तुझे पता लल्ला, मैंने कितने सपने देखे थे, कितने शौक सजाए थे, अभी उसके कल्लू के लौंडे का ब्याह हुआ, वो 3 है ना, तो उन्हें कम दहेज मिला था, तो मैं कह रही मेरा लौंडा इकलौता, बतेरा दहेज मिलेगा, चीज बनाऊंगी अपने लिए, गहने मिलाऊंगी, और क्या क्या मैं कपड़े बनाऊंगी, सब सामान बढ़िया वाला बनाऊंगी, पर अब मैं क्या करूंगी बता। अरे धन दौलत की कौन सी बात है इसमें, अरे यू बहुत पढ़ी लिखी है, यू चाहेगी तो कहीं नौकरी भी कर लेगी, पैसे तो तब भी आ जाएंगे अपने घर, तू क्यों परेशान हो रही है, दुनिया की औरतों को देख, अनपढ़ मिला अनपढ़। देख तू कुछ भी कह, लेकिन मैं मानने वाली ना हूँ, क्योंकि मैं जब इस शादी से खुशी ना हूँ तो। और हाँ, तुझे जो करना है वो कर, मेरी तरफ से तुझे फुल छूट है। अरे इसमें छूट की क्या बात है, अरे मैं तू परेशान मत हो कर, चल ठीक है फिर, हम भी थक गए सो जान दे हमें। अगर इसके पावजी को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, वो तो इसे मारेंगे, क्या करूं बताऊं ना। नहीं अभी नहीं बताती हूँ, जब वो आएंगे खुद ही देख लेंगे। हाँ रेनु, तुम मम्मी की बातों को बुरा मत मानना, मम्मी तो पुराने जमाने की हैं, ये छोटी छोटी बातें करती रहती हैं, गांव में जो रहती हैं। नहीं मुझे ना उनकी बातों का कोई बुरा नहीं लगा, और आगे से भी मैं उनकी बात कोई अपने दिल पे नहीं लूंगी, क्योंकि मैं एक माँ की परेशानी जानती हूँ। अगर मान लो हमारा कोई एक ही बच्चा होता और वो इस तरह से कर लेता हमारे बिना राय के शादी, तो हमें भी तो बुरा लगता ना, और इसीलिए ना वो इतना सब कुछ बोल रही थी, क्योंकि तुम्हारी मम्मी के तुम इकलौते बेटे हो, और जितने उन्होंने सपने सजाए थे तुम्हारी शादी को लेकर वो कर नहीं पाई, तो हर माँ का इतना गुस्सा करना तो बनता है, इसीलिए ना वो उल्टा सीधा बोल गई थी, तो मैंने उनकी बातों का बुरा नहीं माना। और हाँ वो बोल रही थी ना कि मैं इस शादी से कभी खुश नहीं होंगी, तुम देखना मैं ना उनको मना कर रहूँगी और उनका दिल भी जीत लूँगी। मुझे भरोसा है तुम पर। हाँ ठीक है अब सो जाते हैं, मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। हाँ तुम भी आराम कर लो और मैं भी सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे सुबह उठकर मम्मी की बातों का भी जवाब देना है। ठीक है ठीक है। Thank you.
अरे माँ जी तो अभी सो रही हैं, एक काम करती हूँ मैं ही उठा लेती हूँ माँ जी को। बाय लागू माँ जी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पांव छूने की? और हाँ, मैं तेरी माँ वाँ नहीं लगती जो मुझे माँ कह रही है। अरे माँ जी, आप अभी तक मुझसे नाराज हो? शादी तुझसे मेरे बेटे ने करी है, मैंने नहीं। ऐसे समझ में, बहू तो मेरे बेटे की है, मेरी नहीं। लेकिन माँ जी, आप इतनी नाराज क्यों हो? गलती हो गई ना, लेकिन उस गलती को सुधारा भी तो जा सकता है। और हाँ, आपको पता नहीं है क्या, आपके बेटे मुझसे कितने खुश हैं, लेकिन तुम तो उनकी खुशी में खुश ही नहीं हो। तुझे पता है मैंने कितने सपने सजा रखे थे कि मेरा इकलौता बेटा है, मैं ये करूंगी पर वो करूंगी, पर नहीं, तुझे तो अपनी मस्ती सूझ रही थी, मेरे बेटे से शादी जो करनी थी। लेकिन माँ जी, जो हुआ सो हुआ, मेरी तो राय यही है, अब आपको ना आपके बेटे की खुशी में खुश होना चाहिए। अच्छा, तो तू अब इतनी बड़ी हो गई है? शायद बहू सही कह रही है, मुझे अपने बेटे की खुशी में ही खुश रहना चाहिए, मेरा बेटा इकलौता जो ठहरा। हाँ सही कह रही है, मैं जाकर बहू से बात करती हूँ उस बारे में। हेलो जी, क्या हाल है और कैसा चल रहा है काम? अरे क्या हाल और क्या काम, बस यहाँ पे तो सब कुछ चौपट हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? अरे उसकी माँ है ना, इतनी तेज है ना वो बुढ़िया कि मेरे तो कंट्रोल में नहीं आ रही है। यार तुम उसकी माँ से क्या लेना, तुम उसकी प्रॉपर्टी नाम करो और जल्दी से यहाँ से निकलो। हाँ इतना आसान नहीं है, और अपनों ने क्या सोचा था कि प्रॉपर्टी उसके नाम है, उसके नाम तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि घर के 50,000 रुपए भी उसके नाम नहीं है। तो फिर किसके नाम है? उसकी माँ के, और उसकी माँ तो मेरे कंट्रोल में है नहीं, मुझे तो यहाँ तक कि वो पसंद भी नहीं कर रही। यार रेनू, मैंने तुम्हें एक काम दिया, तुमसे वो भी ठीक से नहीं हो पाया, तुम पहले पता नहीं लगा सकती थी किसके नाम है? मुझे नहीं पता, मुझे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम चाहिए, ठीक है? कुछ भी करो, कैसे भी करो। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बहुत ही आसान काम है, तुम्हें पता नहीं है कितना मुश्किल है। मैंने और क्या करूं, शादी तो कर ली उससे। मुझे नहीं पता शादी करो या मत करो, पर मुझे उसकी प्रॉपर्टी, उसके जायदाद मुझे चाहिए बस, इससे आगे मैं कुछ नहीं चाहता। ठीक है, लगता है कोई आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ चलो ठीक है, ठीक है बाय। ये क्या, बहू का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, वो मेरे बेटे को फंसा रही है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने देने की। हाँ मैं आज ही अपने बेटे को बताऊंगी। पता नहीं बेटा कितनी देर में आएगा कितने नहीं, ऐसा करती हूँ उसे फोन करके अभी बुला ले। ठीक, हेलो। हाँ बेटा रघु, तू कहाँ पर है इस वक्त? बेटा तू जल्दी घर आ। नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं पता, तू जल्दी घर आ, मुझे बहू के बारे में तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, मैं रघु को बता कर रहूंगी कि बहू ने उससे शादी उससे प्यार करने के लिए नहीं करी, उसकी जमीन जायदाद और उसके पैसे के लिए करी है। हाँ मैं बताऊंगी उसे। ना वक्त हो गया, रघु अभी तक आया क्यों नहीं? ऐसी क्या बात करनी है, जल्दी बता फिर। बेटा मुझे रेनू के बारे में तुझसे जरूरी बात करनी है, और बात ये है कि रेनू ने तुझसे शादी तुझे पाने के लिए नहीं करी, बल्कि तेरी जमीन जायदाद हड़पने के लिए करी है। और तुझे पता है उसका किसी और के साथ चक्कर भी चल रहा है।
मम्मी तुम इन बातों को मत बोला करो, अब तो तुमने ये बोल दिया कि उसका किसी के साथ चक्कर चला, आज के बाद तुम्हारे मुंह से उसके बारे में ये बातें मैं सुन ना लूं, समझ गई तुम? क्या तुम मुझे झूठा ठहरा रहा है? बेटा मैंने खुद अपने कानों से सुना है। तुम्हारी उम्र ज्यादा होने के कारण तुम्हें ये सारी बातें याद आ रही है, ऐसा मत क्या करो तुम। वाह बेटा वाह, जिसने तुझे 9 महीने अपनी गर्भ में रखा और तुझे पाल पोस के इतना बड़ा करा और तू आज उसे ही झूठा ठहरा रहा है। बस माँ मैं सब कुछ जानता हूँ, तू उसे क्यों ऐसा कह रही है, क्योंकि तुझे वो लड़की पसंद नहीं है ना, और मैं जा रहा हूँ, इन बातों पे मत आना। जा बेटा जा, मैं तो तुझे ये सब इसलिए बता रही थी क्योंकि तू उससे प्यार करता है, तेरा दिल ना टूटे। लेकिन बेटा तुझे तो मेरी बात का विश्वास ही नहीं हो रहा। बेटा मैं तेरी कसम खाती हूँ, इस चीज का मैं खुलासा भी करके रहूंगी और तुझे बर्बाद होने से भी बचाऊंगी। बहू तू इतनी चिंता में क्यों है? कुछ नहीं माँ जी, वो थोड़ा सा ना मेरे सर में दर्द हो रहा था। अच्छा, मैं ये कह रही थी बेटा आज तेरी शादी को 4 दिन हो गए हैं और मैंने तुझे ठीक से बात भी नहीं करी है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ बेटा जिसमें मेरा बेटा खुश उसमें मैं खुश, मैंने तुझे अपना लिया। क्या सच में माँ जी? हाँ बेटा मैंने अपना लिया तुझे। बेटा वैसे मैं तुझसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो। तेरे घर परिवार में कोई नहीं है क्या? वो माँ जी घर परिवार में तो सब है, लेकिन मैंने उनकी बिना मर्जी के शादी की है ना, तो सब लोग मुझसे खिलाफ हैं। अच्छा, तेरे घर को से तेरी बात भी नहीं होती क्या? नहीं माँ जी, मेरी किसी से कोई बात नहीं होती। वैसे तो फोन किसका आ रहा है तेरे पास? वो पता नहीं, शायद किसी का रॉन्ग नंबर है, गलती से जैसे लग ही जाता है। अच्छा, और बता बेटा तेरी तबीयत उबियत तो खराब नहीं है? तेरा मूड इतना ऑफ सा लग रहा था अभी। नहीं। किसका फोन है बेटा, एक बार उठा लेना। अरे मैंने बताया ना रॉन्ग नंबर है, और हाँ जब मैं नहीं उठाऊंगी ना परेशान होके खुद ही रुक जाएगा। चल ना मैं उठाती हूँ। नहीं मैं ऐसे किसी का फोन नहीं उठाती हूँ। ठीक है बेटा तू अपना ख्याल रख। ठीक है? ठीक है ठीक है। और हाँ रसोई में आ जाना, खाना वाना बनवाने में मेरी हेल्प कर देना थोड़ी। ठीक है बेटा। क्या है तुम पागल हो क्या? जब मैं फोन नहीं उठा रही हूँ तो समझ जाना चाहिए ना। अरे तुझे मेरा फोन नहीं दिखाई दे रहा, मैं इतनी देर से फोन कर रहा हूँ पागलों की तरह? जब मैं फोन नहीं उठा रही तो क्यों कर रहे हो बार बार? तो क्यों नहीं उठाया? वो मेरी सास पास में बैठी थी इसलिए नहीं उठा पाई। सास? जो कल तक तेरे लिए बुढ़िया थी आज वो तेरे लिए सास हो गई? अरे वो उस लड़के की माँ। कहीं तेरे इरादे तो नहीं बदल गए? कहीं उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करके और तू उसके साथ रहने लगे? मुझसे शादी नहीं करनी क्या तुझे? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मैं जान ले लूंगा तेरी अगर मेरी प्रॉपर्टी नाम नहीं हुई तो। देखो तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्ही से शादी करूंगी। देखो मैं जो यहाँ पे आई हूँ ना अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, ये तुम्हारा फैसला था। हाँ फैसला मेरा था पर तेरे फैसले बदल गए तो? मैं वहाँ पे आ रहा हूँ ठीक है, अगर तुझे राजी से प्रॉपर्टी दे रहा है वो तो ठीक है, वरना मैं उसकी जान ले लूंगा, मार दूंगा उसे। अरे तुम पागल हो गए हो, अभी मैंने अपने और तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताया है, तुम यहाँ अभी मत जाना वरना बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। मुझे इस चीज से डर नहीं लगता, बवाल हो या कुछ भी हो मैं आ रहा हूँ कल सुबह वहाँ पे। देखो तुम यहाँ बिल्कुल भी मत आना, मैं समझा रही हूँ तुम्हें। मैं आ रहा हूँ तो आ रहा हूँ, बात खत्म। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम यहाँ मत आओ बस। क्या हुआ बेटा, तू तो अभी मना कर रही थी कि मैं किसी से बात नहीं करती, और अभी किससे आने जाने की बातें हो रही थी? अरे वो मैं बता रही थी ना कि किसी का रॉन्ग नंबर था, उसी को डांट रही थी, पता नहीं क्यों फोन पे फोन किए जा रहा है। लेकिन बेटा तू तो उससे आने जाने की बात कर रही थी ना। आने जाने की? हाँ। नहीं मैंने आने जाने की तो कोई भी बात नहीं की, लगता है तुमने गलत सुन लिया। बस मेरे सामने ये नाटक मत कर, मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है। ये तो मुझे पता ही है कि तुम मेरे बेटे से प्यार नहीं करती, उससे शादी सिर्फ तूने उसकी प्रॉपर्टी और उसके पैसे के लिए करी है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं देनी क्योंकि उस पर हक
उसकी बीवी का है, और जो कि मैं तुझे उसकी बीवी मानती नहीं हूँ। देख, मैं तुझे बेटा प्यार से समझा रही हूँ, इस घर से चली जा। तेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है ना, तू उसी के साथ शादी कर ले, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। और हाँ, इस बारे में मैं अपने बेटे से नहीं बताना चाहती, क्योंकि मेरा बेटा तुझसे सच्चा प्यार करता है, और अगर इस बारे में उसे पता चला तो वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। जा, इस घर से तू चली जा। हे भगवान, तूने मेरा बेटा बर्बाद होने से बचा लिया। तेरी लीला अब्रह्म पार है।